मसीही लोग यीशु ये, यीशु वो और केवल यीशु एकमात्र रास्ता है, आखिर वे क्या सोचते हैं? वो कौन है? कितने लोग सोचते हैं? मैं भी यही सोचता था। समस्या यह है कि सत्य जो है वो सत्य ही है और इसे कोई बदल नहीं सकता। ये पहले भी सच था और अंत में आज भी सच है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इन दिनों हम में से अधिकांश लोग यहाँ और अब क्या हो रहा है इस पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। हम लगभग कल के बारे में सपना देखना भूल चुके हैं। अनंत काल की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अनंत काल एक दूर की बात है, इसलिए कुछ लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। इन दिनों लोकप्रिय दृष्टिकोण ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या मिलता है या आप किसको मानते हैं, बस इसे अपने पूरे दिल से माने और आप बिल्कुल सही होंगे। लेकिन यीशु ने हमें कोई विकल्प नहीं दिया। जब उससे सवाल पूछा गया था तो यीशु ने उत्तर दिया, यूहन्ना 14 अध्याय और 6 वचन में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। अब मुझे खेद है कि वो राजनीतिक रूप से गलत है, पॉलिटिकली इनकरेक्ट। मुझे खेद है अगर ये कुछ लोगों की संवेदनाओं को दुख पहुँचाता है, और मुझे खेद है यदि वो आपके व्यवहार के साथ फिट नहीं होता कि परमेश्वर को कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर परमेश्वर परमेश्वर है तो ये उसका चुनाव है, और उनकी पसंद अपने पुत्र यीशु को अपनी असफलताओं और मेरे लिए भुगतान करने के लिए मरने के लिए भेजना था, ताकि अगर उस पर आप और मैं विश्वास करें तो हम अनंत जीवन पा सकें। बस कोई अगर मगर नहीं, कुछ शायद नहीं। मैंने हाल ही में कुछ ऐसा पढ़ा जिसमें कहा गया था, ईश्वर वो नहीं है जो हमें लगता है कि वो होना चाहिए या जो शायद हम पसंद करते हैं। परमेश्वर वो है जो वो कहता है कि वो है। ये कई लोगों के लिए एक ठोकर है। यीशु भी कई लोगों के लिए ठोकर है, लेकिन सच तो ये है, यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसे मानिए या ठुकरा दीजिए, आपके लिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसे मान लेंगे। ये परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।